भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर कल यानी बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में CDS बिपिन रावत की मौत हो गई। हादसे में रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 अन्य लोगों की भी मौत हुई है। CDS रावत वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। वायुसेना ने कहा कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वायुसेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वायुसेना ने कहा कि 14 से 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चल रहा है। वहीं हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS बिपिन रावत के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। CM सोरेन ने कहा कि तमिलनाडु में सेना की हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में सुनकर बेहद दुखी और स्तब्ध हूं। इस तरह से CDS बिपिन रावत के निधन पर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी दुख जताया है। बादल पत्रलेख ने ट्वीट कर कहा कि तमिलनाडु के कुन्नूर में CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत अन्य जवाज भारत माँ के सपूतों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना से निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। राष्ट्रीय अपना गौरव अपने वीर सपूत को सदा याद रखेगा, उसके परिवार के प्रति संवेदना। फिलहाल CDS बिपिन रावत के साथ हुए इस हादसे ने पूरे देश को दुख के सागर में डुबो दिया है। फिल्म जगत से लेकर सियासी गलियारों तक में शोक की लहर है।